तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोगों का 50K फैमिली कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों का लाइक, प्यार एंड सपोर्ट इतना ज़्यादा है, अभी 50K भी क्रॉस हो गया है। सो वंस अगेन हमारी तरफ से दिल से थैंक यू सभी को जिन्होंने भी सपोर्ट किया है, स्पेशली जो भी शुरुआत से सपोर्ट किया है अभी तक। एंड हाँ, फाइनली फ्रेंड्स, आज आप लोगों का काफ़ी समय से इंतजार किया हुआ वीडियो होने जा रहा है, वो है 50K स्पेशल, यानी कि Q&A। हाँ, पहले भी वीडियो में बोला था कि Q&A वीडियो 50K में लेके आएगा बोल के, एंड काफ़ी सारा सवालों का जवाब देना है हमें आज को। 36 क्वेश्चंस है, उससे भी ज़्यादा था, कोई कोई क्वेश्चन जो सिमिलर था तो उसका हम जो एक साथ रिप्लाई करने का कोशिश किया। नहीं तू क्या करेगा, हर एक का पर्टिकुलर को रिप्लाई करने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जितना कम समय में आप लोगों को जितना जानकारी दे पाएगा उतना हम कोशिश किए आज का वीडियो को बनाने में। बाय द वे, ब्रदर को देख ही सकते हैं, मास्क पहन के आज बैठा हुआ है। एक्चुअली इसका दांतों में कैविटी हो गया है, अच्छा अभी क्यों ने वीडियो शूट करने का थोड़ा इसको मेडिकल लेके जाएगा। आज को वीडियो भी वैसे इस बार आने में लेट हो गया है, सो काफ़ी सारा शेड्यूल मेरा बिजी था, दैट्स वाई। सो आने वाला जो वीडियो होगा हम होपफुली जल्द उसको लेके आने का कोशिश करेगा। जैसे कि 36 क्वेश्चन है आज को आप लोगों का सभी का टोटल मिला के, ज़्यादा था कम किए। जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला 3 क्वेश्चन है, सबसे नंबर 1 यूट्यूब अर्निंग, सेकेंड कौन सा कैमरा यूज़ करता है, काफ़ी लंबा समय से इसका पूछा है, इसके बाद थर्ड है रिलेशनशिप स्टेटस, एंड और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारा सवाल है। एंड सभी का क्वेश्चन को आज देने का कोशिश करेगा हम ये Q&A वीडियो पे। सो जैसे कि ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा आज की Q&A वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है ई लियोना का तरफ से, इंस्टा में ये 50K होने से पहले काफ़ी समय से मैसेज कर रखा था हमको। तो इसका क्वेश्चन है, माई क्वेश्चन फॉर यू नेक्स्ट वीडियो ऑन सेलिब्रेशन ऑफ 50K इज अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आर यू स्टडिंग एनी वे, लव यू ब्लॉग्स, कीप इट अप, विश यू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, थैंक यू ई लियोना। आपका सवाल है कि लाइक हम मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूछा है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम पहले भी बता चुका है मेरा होम टूर वीडियो में, कुछ लोग देख रखा होगा तो कुछ लोग नहीं भी देख रखा होगा, तो उसमें हम बोला था कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BA ग्रेजुएट किया गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो, एंड अभी स्टडिंग बोल से स्टडिंग नहीं कर रहे, अभी यूट्यूब कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है जिग्मी ब्लॉग्स, एक्चुअली ये दो बंदा है, जिग्मी ब्लॉग्स और द ब्लेस बॉय, एक YouTube का कमेंट सेक्शन से है, इसके बाद एक इंस्टा से कमेंट किया है द ब्लेस बॉय, दोनों का कमेंट्स भी सिमिलर है, दस भाई एक साथ रिप्लाई कर देगा। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी ए ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर, फर्स्ट कमेंट एंड क्वेश्चन फ्रॉम सिक्किम, सिक्किम जिग्मी ब्लॉग का है, जैसे कि क्वेश्चन सेम है। सो इसका हमको क्या इंस्पायर्ड किया है बोलने से, हम भी एक्चुअली यूट्यूब से ही, दूसरा का वीडियो से हम भी इंस्पायर्ड हुआ है, देखा है कि वो लोग यूट्यूब से भी लाइक कुछ कर सकता है बोल के हम देखा गया, इसका तो वहाँ से आइडिया आया है। तो वही है, किसी पर्टिकुलरली तो किसी से इंस्पायर्ड नहीं हुए, तो ये था जिग्मी ब्लॉग्स और ब्लेस बॉय। इसके बाद नंबर 3 है एमिंग पान्यांग, सो टोनी मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 50K सब्सक्राइबर, कीप ग्रोइंग, हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क इन ए डे, एंड व्हाट योर फ्यूचर प्लान, एंड व्हाट परसेंटेज इन क्लास 10th 12th। एमिंग पान्यांग, आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपको 50K कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन था कि दिन में हम कितना घंटा काम करते हैं, दिन में पर्टिकुलरली हम ज़्यादा 100% से चलो हम बता देगा, ऐसा आवर तो हम गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन 100 में से हम 60% काम करते हैं, 40% आराम करते हैं, तो ये है दिन में कितना काम करता है। इसके बाद पूछा गया है मेरा फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान को बोलने से लाइक कुछ भी हम प्लान नहीं करते, जो भी चीज़ प्लान करते हैं हमेशा बेड़ा गर्क हो जाते हैं, दैट्स व्हाई आजकल प्लान नहीं करते, गो विद द फ्लो है हम जो। आपका एक और क्वेश्चन था वो है 10th 12th का परसेंटेज, वैसे हाँ अमिंग पान्यांग और बाकी लोगों को भी बता दूँ कि मेरा 10th 12th का परसेंटेज बोलने से उतना स्मार्ट स्टूडेंट तो नहीं बोलेगा खुद को, मिडिल वाला स्टूडेंट ही खुद को बोलेगा, 60 से ऊपर ही मेरा आया है 10th 12th में, एग्जैक्टली हम तो याद नहीं, लेकिन 60 से ऊपर था, 65 का आसपास था। तो यही है अमिंग पान्यांग का क्वेश्चन का आंसर। इसका नंबर 4 है रेमी मेस्का, मैं भी आपको एक सवाल करना चाहती कि आप ये यूट्यूब चैनल खोलने का मन कब से हुआ था, एंड आज ये वीडियो बनाना है, ये सब आइडियाज़ आपको कैसे आता है, दूसरों के वीडियो देख के या खुद के सोच है। अच्छा, यूट्यूब चैनल खोलने का मन कब से था, तब से था जब से हम यूट्यूब पे पता चला है कि लोग वीडियो डालते हैं तो हम भी ट्राई किए। इसके बाद आप पूछा था एक और, आज ये वीडियो बनाना है बोल के ये आइडिया कैसे आता है, ये जो यूट्यूबर है ना उन लोगों को भी हेल्प में आएगा, स्मॉल यूट्यूबर जो ग्रोथ हो रहे मेरा जैसे, एक्चुअली बाकी का वीडियो को भी हाँ कंज्यूम करता है, और इन बाकी का वीडियो को भी आप लोग में से भी कोई यूट्यूबर है बोलने से देखना है, उससे भी एग्जैक्ट लेकिन फॉलो नहीं करना है, देखना है, बट अपना जो आइडिया है ना उसको भी साथ में एग्जीक्यूट करना है आपका। बाद नंबर 4 है म्यू,
एंड व्हाट वुड यू डू इफ़ यू डिडंट डू दिस, अगर हम यूट्यूब ना करता तो क्या करता बोलने से। जो मेरा होम टूर वीडियो देखा है आपको काफ़ी लोगों को पता होगा, मेरा फैमिली से रिलेटेड मुश्किलें देखा है, सो वही है, यूट्यूब ना करता तो काफ़ी मुश्किलें और भी देखना था। इसके लिए हमेशा हम आभारी रहेगा आप लोगों को, लाइक यूट्यूब में आप लोगों कितना सपोर्ट किया है हमको, हम कभी नहीं भूलेगा। इसका नंबर 6 क्वेश्चन है, रासिंग ताइंग नो क्रिश्चियन या प्लस बत्तीस लातो में क्यों रासिंग ताइंग क्रिश्चियन को दलोक कैथोलिक लोगों बत्तीस लातो दलोंग बत्तीस मान अमुन जेम्स संग बत्तीस मा अमुन। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, हाँ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, एक्चुअली लोकल डायलेक्ट में हमको कोई लोकल आदमी पूछा है कि आप बत्तीस मा लिया है बोल के ऐसा पूछा था। सो बत्तीस मा क्या होता है कि लाइक जैसे कि क्रिश्चियन में भी डिफरेंट डिफरेंट होता है बहुत सारा, सो कैथोलिक से है हम समझो। सो कैथोलिक में क्या होता है कि बत्तीस मा जैसे कि देने से आपको एक अलग नाम उसको दे देते हैं वहाँ से। सो मेरा क्रिश्चियन में कैथोलिक में बत्तीस मा नेम है जेम्स, एंड हमको जेम्स नाम से वो लोग जाना जाते हैं। डू मेंशन माय नेम ऑन क्यू एन ए, अच्छा मेंशन कर दिया है व्यवंग दू आपका नेम को, हाय व्यवंग दू बाय द वे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है विप्रो का तरफ से, आपका ब्रदर कौन सा क्लास में पढ़ता है बताइए, ब्रदर कौन सा क्लास में पढ़ता है। विप्रो जी मैं तो अभी क्लास 11 में पढ़ता हूँ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट से। हाँ रिसेंटली ये जो इसका हाफ ईयरली एग्जाम दिया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है जिनिया संगठाम, इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर एंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। इंटरेस्टिंग सवाल है, बिगेस्ट फियर बोलने से अभी तक का मेरा लाइक जो होम टूर वीडियो देख रखा है वो लोगों को पता होगा मेरा फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम को, लाइक मेरा मदर जो रिसेंटली कुछ साल पहले पास्ट अवे हो गए, अभी हम लोगों का साथ नहीं है, छोड़ गए हम लोगों को। बिगेस्ट फियर मोमेंट वही था लाइक मदर चला जाने का किस तरह से संभालेगा, क्योंकि फादर को कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, फादर बोलने से ड्रंक हालत में वो रहता था, उसको भी इतना कुछ बोलने में नहीं है, बट जैसे कि वो माँ गुजरने का बाद कुछ दिन बाद ही वो दूसरा शादी करके यानी कि स्टेप मदर के साथ अभी रहते हो, तो वो था मेरा बिगेस्ट फियर। एंड मेरा हैप्पीएस्ट बोलने से जब भी हम सुबह उठता है एंड यूट्यूब एनालिटिक्स देखता है इसका, तो वहाँ में हमको पॉजिटिव आप लोगों से रिस्पॉन्स मिलता है, कमेंट्स पॉजिटिव आता है, कुछ कुछ नेगेटिव भी आता है, तो पॉजिटिव को हम देखने से बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा लगता है एंड ब्लेस्ड फील करते हैं। सच में भगवान को थैंक यू एंड सभी को वंस अगेन थैंक यू। एंड हाँ क्वेश्चन नंबर 13 है शुभम आयराबा का तरफ से है, तो सबका कमेंट्स पढ़ लिया मैंने, सबका क्वेश्चंस में मेरा भी क्वेश्चंस है, भैया आपको जंगल के बारे में इतना जानकारी कैसा है और आपका बचपन कैसा गुजरा प्लीज़ बताओ, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। थैंक यू शुभम आयराबा ब्रदर, जंगल के बारे में मुझे इतना कैसा पता है, जंगल के बारे में जैसे कि गाँव का पहाड़ी लड़का है, बचपन गाँव में गुजरा है, सो दैट्स वाई गाँव के बारे में और जंगल का यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है। एंड बचपन कैसा गुजरा बोलने से अब हमको जैसे वीडियो में देखते हैं लाइक ऐसे ही बचपन गुजरा है, लाइक मछलियाँ पकड़ के एंड लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर के लिए, सो इसी तरीके से बचपन गुजरा है मेरा। क्वेश्चन नंबर एंड हेलीकॉप्टर भी चला गया फाइनली, अभी है क्वेश्चन नंबर 14 लिली याइंग, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका भैया कहाँ में रहता है और आपको यूट्यूब से पैसा मिलता है क्या। अच्छा यूट्यूब से पैसा, पहले ब्रदर को पूछ रहे हैं, बिग ब्रदर को, बिग ब्रदर इधर उधर वो भी काम पे रहते हैं वो भी, तो कभी कभार घर पे आते हैं, एक्चुअली जब घर पे हम होते हैं तो वीडियो शूट नहीं कर रहे, दस पाँच वीडियो में नहीं आते, बट एक दो मेरा वीडियो है उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा, जाके देख सकते हैं। इसके बाद है यूट्यूब से पैसा मिलता है क्या बोलने से, वीडियो को लास्ट में इसको बता देगा कि हमको पैसा कितना मिलता है। ये हमेशा से काफ़ी लोगों का एकदम क्यूरियस वाला सवाल होता है। जॉन किलोंग और दौड़लुप दौड़ले ये दोनों का भी क्वेश्चन एक सा ही है, इसका क्वेश्चन ये है कि दोनों का फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 50 के, थैंक यू सो मच। एंड माय क्वेश्चन इज डू यू गो सोलो एवरी टाइम व्हेन यू मेक वीडियो और टेक योर ब्रदर विथ यू, इफ यस हम्बल रिक्वेस्ट टू मेक बिहाइंड द सीन्स। ओके जब भी हम वीडियो बनाते हैं हम अकेला बनाते हैं कि ब्रदर के साथ बनाते हैं बोलने से ब्रदर यहाँ आप मान लो मेरा 80% जो वीडियो है मेरा अभी तक जितना बनाया है सबका हम सोलो बनाए, एंड कुछ वीडियो दोस्त के पास, कुछ वीडियो ब्रदर के पास जब वो घर पे रहता है तब बनाए। इसका जैसे कि अभी वो स्टूडेंट है तो सुबह हम उसको वीडियो में नहीं ला पाते क्योंकि हम दूर पे जाते हैं ना, तो दूर पे जाने से उसका थक जाएगा लाइक वापस पढ़ाई में, तो दैट्स वाई उसको अभी के लिए हम जो पढ़ाई में ध्यान देने दिए। इसका जब वेकेशन होगा तब साथ में आप लोगों को हम दोनों का ताबड़तोड़ वाला ब्लॉग देखने मिल जाएगा, सो उसके लिए चैनल पे कोई नया होने से सब्सक्राइब कर लेना है, तो बिहाइंड द सेंस भी दिखा देगा आप लोगों को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है योमकेन कारगा एंड बेंगियाना सारिथक यूज़र ओ ई कुछ इस तरह सा है,
ये चार जन है, हमको पूछा है कि ब्रो व्हाई डोंट यू गो फॉर फर्दर स्टडी, व्हाट्स योर एज एंड व्हाट अबाउट योर स्टडीज स्टेटस आफ्टर ग्रेजुएशन, को भी पूछे। फर्दर स्टडी के लिए बोलने से लाइक फाइनेंशियल कंडीशन का वजह से हम फर्दर स्टडी नहीं कर पाए, स्टडी करने का मन तो वैसे था हमको, बट वही मेरा फैमिली कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन का वजह से हम स्टडी नहीं कर पाए। तो इसका व्हाट्स योर एज, एज 21 ईयर्स, स्टेटस आफ्टर ग्रेजुएशन बोलने से आप देख ही सकते हैं यूट्यूब में काम कर रहे हैं एंड आप लोग मेरा कंटेंट को देख पा रहे हैं। रियोमिंग सुखुना एंड ईशा हजोंग, ये दो एंड निखिल तमांग, ये तीन जन का भी एक सही एक क्वेश्चन। योर विलेज नेम, थोड़ा देर पहले भी देखा होगा पीछे में जो पोस्टर टंगा था जेंगिंग बोल के, वो है वहाँ से हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए फिलहाल। इसके बाद आई वॉन्ट टू विजिट अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में लाइक किसी को विजिट करना है तो लाइक अरुणाचल बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है, यहाँ पे और भी काफ़ी सारा सुंदर जगह है, तो लो बजट में अच्छा खासा टूरिंग आपको मिल जाएगा, एक्सपीरियंस दे देगा अरुणाचल। एंड यहाँ भी आप कोई विजिट करना चाहते हैं बोलने से लाइक अपर सियांग में जंगिंग में विजिट कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे भी। 20 में पहुँच चुका है अभी हम लोग। यूनिकॉर्न फेरी एंड जुदित एक्का का क्वेश्चन है, हाउ डू यू अर्न योर लाइवलीहुड, डू यू सेल योर चिकन और आर दे ओनली फॉर योर कंजम्पशन, एफर्ट फ्रॉम योर ब्रदर्स, आर यू गोइंग टू शेयर योर गिफ्ट फ्रॉम यूट्यूब अर्निंग टू योर याई आंटीज हस्बैंड हु वॉज इन योर वीडियोज, कीप ग्रोइंग बाय, थैंक यू। अच्छा, मेरा डेली लाइवलीहुड को पूछा है क्या से हम अर्निंग करते हैं। सो फिलहाल अर्निंग बोलने से लाइक हम यूट्यूब से ही थोड़ा बहुत अर्निंग कर लेते हैं आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट से। इसके बाद मेरा चिकन को बोलने से, हाँ चिकन को भी सेल कर लेते हैं, खुद भी कंज्यूम कर लेते हैं। अभी तक यूट्यूब से हम जो अर्निंग किया उसके याई के लिए कुछ खरीदा है क्या बोलने से आंटीज हस्बैंड, मेरा अर्निंग इतना तक तो अभी तक नहीं है कि लाइक हम किसी के लिए गिफ्ट अफोर्ड कर पाएगा, बट आने वाला समय में आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट से हम बिलीव है कि ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लिए और बाकी लोगों के लिए भी कुछ कर पाऊँ, बस यही है। इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का, वेटिंग फॉर 1 मिलियन बेस्टी, लव यू टू। इसके बाद माय क्वेश्चन इज, व्हेन योर नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग, डू यू हैव ए जीएफ ब्रदर, ओके आई एम ए मेल, ओके डोंट थिंक, चलो नेगेटिव वाला कुछ बात नहीं है वैसे इसमें। तो आपका क्वेश्चन था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, अभी जैसे कि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल बिजी था तो दैट्स व्हाई इस बार भी वीडियो को आने में थोड़ा लेट हो गया, तो आने वाला नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेगा कि लाइक जल्द से जल्द वीडियो आने का, अच्छा कंटेंट लेके आने का कोशिश करेगा। इसके बाद मेरा जीएफ को भी बात नहीं बता देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, सेवांग एडवेंचर और डेथ शॉट गेमिंग एंड अगुंग गामम, ये लोगों का क्वेश्चन भी एक सा ही है, दैट्स वाई एक साथ इसका रिप्लाई कर देगा। आपका ट्राइब एंड ट्राइब आदि, इसके बाद एंड सरनेम ताराम, टोनी वेंचर है ना, टोनी ताराम है मेरा सरनेम। इसके बाद विलेज जैसे कि जेंगिंग। इसके बाद आपकी एज 21 ईयर्स ऑफ, 21 साल का है अभी, आने वाला मार्च 1 तारीख में 22 साल का हो जाएगा बाय द वे। आपका जीएफ है, जीएफ के लिए थोड़ा ठहर जाएगा भाइयों, बता देगा बाद में। एंड अगर हो सके तो आपका व्यूअर्स लोग को मेरा छोटा सा चैनल बढ़ा दीजिएगा, लव फ्रॉम तिराप डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। और ये सेवांग के लिए, सेवांग एडवेंचर बोल के एक चैनल होगा शायद, उसको इंटरेस्टेड होने से जाके चेक कर लेना है और पसंद लगने से सब्सक्राइब भी कर देना है। अभी एस टी यू लाइफ, हाउ यू सी योर सेल्फ एंड योर चैनल इन कमिंग 3 ईयर्स, आने वाला 3 साल में खुद को और खुद का चैनल को क्या दिखते हैं। आने वाला 3 सालों में इतना तो पता है कि खुद को और खुद का चैनल को जब तक हम रहेगा ये चैनल पे आप लोगों के लिए भले ही 1-2 दिन लेट हो जाए लेकिन वीडियो हम जरूर लेके आने का कोशिश करेगा आने वाला 3 सालों में और आगे भी। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है अभी, रंजिता राय 919, तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन है एंड तुम्हें ये प्रोफेशन क्यों चुना और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, थोड़ा देर पहले बताए फ्यूचर प्लानिंग को। इसमें दो सवाल को हम आंसर करेगा, फेवरेट यूट्यूबर कौन है, फेवरेट यूट्यूबर है ध्रुव राठी बोल के यूट्यूबर है, काफ़ी लोग भी पता होगा, वो बंदा बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, वो इंडिया से लेकिन वो बाहर विदेश में रहते हैं, आई थिंक जर्मनी में रहते हैं वो जा भी, तो वही है फेवरेट यूट्यूबर। इसके बाद ये प्रोफेशन क्यों चुना, प्रोफेशन चुना नहीं है, वही है प्रोफेशन अभी तक चुना नहीं है, बस इसमें काम कर रहे हैं खुद को, वही बोलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंच 28 में पहुंच गया है, अभी हम लोग का क्वेश्चन भी खत्म होने रहे, जैसे कि 36 है, कुछ ही क्वेश्चन अभी बच गया है। इसमें तोतोंग बोको और हॉर्नपी पूछ रहा है कि टोनी ब्रो आजकल आखिर दिखाई नहीं दे रहा है आपका, अच्छा आखिर के बारे में गाइस बता दूँ कि बताते हुए मुझे भी दुख लग रहा है, लाइक जैसे कि हम कुछ दिन पहले वीडियो में भी बोला कि वो लाइक घर नहीं आ रहे, बाहर ही रहते होंगे, सो कभी कभी आते हैं बोल के, सो ऐसा हो कि वो कुछ दिन आने ही बंद कर दिया, काफ़ी एक्चुअली महीना हो गया है हम घर ही नहीं आ रहे,
लगता है ओवर ओल्ड एज का वजह से उसका डेथ हो गया कहीं पे। तो हम बहुत कोशिश किया, ये बात नहीं कि हम कोशिश नहीं किए ढूंढने का उसको इधर उधर इधर उधर ढूंढो, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का सफ़र शायद यहाँ तक ही था। वो बहुत ज़्यादा दुख गया हमको बताते हुए भी, बहुत मेरा जो भी करीबी चीज़ है सब जा रहा है। और वही है अकेले अभी से हम लोगों के साथ वीडियो में नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इसका क्वेश्चन नंबर 29 मेलन रिया, भैया आप कैसे करके मोटिवेट हुआ एंड आइडिया आया कि एक यूट्यूबर बनना है, ट्रिगर कैसे हुए बता दीजिए, थैंक यू। मेलन रिया का क्वेश्चन है, पुराना सब्सक्राइबर ये भी। भैया आप कैसे करके मोटिवेट हुआ, कैसे करके मोटिवेट हुआ? एक्चुअली मेरा जो सिचुएशंस है एंड मेरा फ्रेंड्स है, जो भी क्लोज फ्रेंड है, वो लोग काफ़ी मोटिवेट किया हमको वीडियो बनाने में और जो भी लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें काम करने में। इसके बाद ट्रिगर कैसे हुआ है ये यूट्यूबर बनना है बोल के, ट्रिगर एक्चुअली यूट्यूबर बनना है बोल के ट्रिगर नहीं हुए एंड यूट्यूबर हम बनाई की भी नहीं, वो भी खुद को नहीं बोलेगा यूट्यूबर है बोल के अभी भी। बस यूट्यूब में अपना कंटेंट ऑडियंस आप लोगों के लिए हम बनाता है एंड मेहनत करता है, वही बस उतना ही बोलेगा। एंड ये था मेलन रिया का क्वेश्चन का आंसर। हाँ फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच चुका है, अभी ज़्यादा नहीं बचा है। इसमें हमको काफ़ी सारा लोग क्वेश्चन किया है, लोग पूछा है कि व्हाट डिवाइस यू यूज फॉर ब्लॉगिंग, विच सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर एडिटिंग योर वीडियोज, मोबाइल और पीसी, व्हाट इज योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब, डोंट नीड टू टेल एग्जैक्ट अमाउंट जस्ट रॉक। ओके, अमाउंट इनकम को बाद में पता लग जाएगा। ऐसे अभी हम कौन सा कैमरा से यूज़ करते हैं बोलने से, रियलमी फ़ोन से यूज़ करते हैं। हम पहले भी कमेंट में भी एक दो का रिप्लाई किया था, बट एग्जैक्टली बोलने से गेस करो कौन सा ऐसे हम बनाते हैं, 1, 2, 3 Realme 7। Realme 7 से हम जितना भी मेरा अभी तक का ब्लॉग है, ये जो इनफेक्ट शूट हो रहा है, ये भी Realme 7 से हम शूट कर रहे हैं। एक साधारण सा फ़ोन है वही है, और इसके बाद जो सेटअप है उसको वीडियो को लास्ट में दिखाया जाएगा। अच्छा, वीडियो पे बने रहना है लास्ट एंड के लिए भी। इसके बाद एडिटिंग बोलने से, एडिटिंग भी हम जो यही फ़ोन से करते हैं रियलमी से, वही है। एंड अभी सबसे पूछा जाने वाला दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ गया है, आर यू सिंगल एनी जी एफ आम तिकेन, हम रिलेशनशिप में हैं काफ़ी सालों से उसके साथ, लाइक जब भी हम बात करते हैं बहुत ज़्यादा लाइक वो मेरा बात को लिटरली सुनता है एंड बहुत ज़्यादा शांत रहता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग भी उसको काफ़ी बार मेरा ब्लॉग में भी, हर वीडियो में आप लोग उसको देखते हैं मैक्सिमम में, तो कन्फ्यूज़ होगा आप लोग। सो आप लोगों का भी बता दूँ कि उसका नाम है नेचर। सो गाइस, नेचर का साथ हम रिलेशनशिप में काफ़ी सालों से, बचपन से नेचर हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, मजाक कर रहे हैं। सो आई एम सिंगल, तो अभी तू सिंगल है टोनी वेंचर, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 33 में पहुंच गया, एंथोनी मांगम एंड गबी पांजांग एंड अक्षय पूछ रहे कि व्हेन आर यू प्लानिंग टू मैरी, डार्लिंग वर्लिंग शादी कब करोगे, कितना अकेला घूमेगा, दुख लगता है, एक साथी होने से ब्लॉगिंग और मज़ा होगा। ओ भाई बापरे, कहाँ पहुँचा दिया हमको शादी तक, वैसे शादी तक अभी कुछ भी इसमें हम सोचा ही नहीं। अभी शादी के लिए भी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टनर ढूंढना पड़ेगा ना, पार्टनर के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो टाइम नहीं दे पाएगा अनफॉर्चुनेटली अभी हम, तो आगे में जो होगा देखा जाएगा आगे पे। क्वेश्चन नंबर 34 में पहुंच गया है, सीता दूंग कभी प्यार हुआ आपको, प्लीज़ सच बताना। सीता दूंग कभी प्यार हुआ बोलने से ऐसा स्टूडेंट समय में एट्रैक्शन बोलेगा, पागलपंथी बोलेगा स्टूडेंट समय में, टीनेज समय में, एंड काफ़ी लोग भी टीनेज जो मेरा एज का है टीनेज में था, वो लोग को भी ऐसा कुछ आई एम श्योर कि हुआ होगा। एंड वही है, टीनेज में पागलपंथी बोलेगा, पागलपंथी हुआ है अभी इधर में बोलने से नहीं हुआ हमको, सीरियस वाला प्यार सीता दूंग का था ये क्वेश्चन बाय द वे। इसका अभी क्वेश्चन नंबर 35 है, सेकेंड लास्ट है। टिकी पूछ रही है, आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज करोगे? ओ हो, लव मैरिज, आई थिंक लव मैरिज करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्यू एंड ए वीडियो का लास्ट सेक्शन में पहुंच चुका है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें पूछा है कि हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, पूछा है इसको पूरा आपांग और संदीप एंड बाकी लोग भी, पहले पूछा था और जानने मन होगा बाकी लोग भी, यूट्यूब से कितना कमाया जाता है, उन्हें से रिव्यू देगा हम अपना यूट्यूब में हम कितना कमाते हैं। एंड हाँ, मेरा फर्स्ट पेमेंट को गाइस बोलने से बहुत देर में मेरा मोनिटाइज हुआ था, 35K में मेरा चैनल जो मोनिटाइज हुआ है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है, मेरा क्यों ऐसा हुआ है बोलने से, गांव इलाका से हम बिलोंग करते हैं, तो दैट्स व्हाई गूगल में एक एडसेंस पिन आता है, तो उसको आने में 2 महीना लग गया एंड बाकी बैंक वगैरह का काम में काफ़ी टाइम लग गया था, दैट्स व्हाई मेरा बहुत लेट में मोनिटाइज हुआ है। हाँ, फर्स्ट पेमेंट भी 35K का बाद ही रिसीव हो पाए। एंड मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया है बोलने से, मेरा जो कैमरा हम पकड़ रहे हैं इसका प्राइस में लगभग आया था, आप लोग गूगल में बाद में जाके चेक कर सकते हैं इसका प्राइस कितना है। हाँ, वही है मेरा फर्स्ट पेमेंट। इसके बाद यूट्यूब से मेरा
मंथली इनकम को बोलने से बहुत वेरी करता है, ये टोटली व्यूज के ऊपर डिपेंड है। सो बड़ा यूट्यूबर लोग तो फिर भी ज़्यादा कमा लेगा। सो मेरा हम बोलने से आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट से घर परिवार लाइक चल रहा है अभी। सो मेरे लिए काफ़ी है वो भी। सो आज का Q&A वीडियो गाइस इतना ही था। सो होपफुली कि पसंद आया हो। सो गाइस हाँ वीडियो इतना ही था। सो आने वाला ब्लॉग में अभी सीधा मिलेगा। सो आने वाला ब्लॉग के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स ये देखो, ये है मेरा सेटअप जिसका हम दिखाएगा बोला था। ये बोया का माइक है, ये ब्रदर, ये है मेरा कैमरा मैन, ये बोया का माइक है। इसके बाद ये है फ़ोन जो कि है अभी 3 साल पुराना फ़ोन है बाय द वे, ये काफ़ी पुराना हो गया। इसको भी कुछ समय बाद आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट से हम जल्द ही रिप्लेस कर पाओ। इसके बाद ये है गोरिल्ला पॉड, सिंपल सा दैट्स इट, सिंपल सा सेटअप है। इसके बाद यहाँ पे ब्रदर पकड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे है आई लव जंगिंग का यहाँ से नज़ारा है, व्यू पॉइंट कुछ इस तरह सा है यहाँ का नज़ारा, खुला पहाड़ खुला आसमान।